से तैयार होती है, ये इन प्रोसेस है। हाँ। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है और ये हमारी रेडी है, ये देखिए। अच्छा, ये इंटेलाइज। हाँ जी, और इसका रिजल्ट ये तैयार होके हमारी ये कंपोस्ट तैयार होती है। देखिए नीचे एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, कोई डंठल नहीं दिख रही है, वो सारा जो भी कुछ मैंने डाला था ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूट्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ गाजियाबाद मंजू जी से मिलने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से कंपोस्ट तैयार किए हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 डिफरेंट तरह के कंपोस्ट घर में तैयार किए हैं और कई तरह के एंजाइम्स बनाए हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी और नई नई जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, जो कि आप अपने घर पर कर सकते हैं। किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, सारे के सारे कंपोस्ट ऑर्गेनिक हैं। तो चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे मंजू जी से, कैसे तैयार किया है, कितना टाइम लगा है और भी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट देखना, फिर से मैं बोलूँगा मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मंजू जी से, जो कि इन्होंने इतने सारे कंपोस्ट तैयार किया है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मंजूश्री गाजियाबाद से, मैं गार्डनिंग में 5 ईयर से हूँ। हाँ जी, 5 साल से कर रही हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम में प्रवीण सर से मिली, यूट्यूब के थ्रू। जी जी, अच्छा। प्रवीण मिश्रा जी से और यूट्यूब के थ्रू मिली उनसे, और उनके बारे में कुछ जाना देखा यूट्यूब में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी वीडियोस, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। अच्छा। और उसके बाद हमने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप ज्वाइन, बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। कंपोस्ट वगैरह भी मैं पहले भी बनाती थी, मगर उनके जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग है। मतलब पहले कंपोस्ट बनाते थे तो हमें लगता था ड्राई लीव्स कहाँ से लाएँ, ड्राई मटेरियल कहाँ से लाएँ, ये वो, तो इनमें कुछ नहीं चाहिए मुझे, हमारा किचन वेस्ट ही इतना सारा आ जाता है। मेरा ये बिन है, इसके अंदर पहले मैं लीव्स इतनी डालनी पड़ती थी तो 10 दिन में ही बिन भर जाता था, बट अब ये इसके अंदर 1 मंथ का मेरा किचन वेस्ट आ जाता है इसके अंदर। बाकी और जैसे चाय पत्ती की खाद बनानी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारा कंपोस्ट बना रखा है, तरह तरह का है, कुछ तो ऐसे हैं जिसके मतलब शायद मैंने नाम भी नहीं, ये एंजाइम्स है, ये वाले जो है एंजाइम है। हाँ जी, एंजाइम के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में, ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट मुझे दिख रहा है ये क्या है? ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जो हमारा किचन का पील्स निकलते हैं, जो भी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, जितने भी पील्स निकलते हैं वो हम आप इस बिन के अंदर इकट्ठा करते हैं। अच्छा। और उसको फिर उसके अंदर जो फुलफिल हो जाता है, तब उसके अंदर आप 1 मंथ के अंदर आपका ये रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, अरे वाह, ये कितने दिनों का है? ये मेरा 1 मंथ का है। ये 1 मंथ का जी है। मतलब इतना फिल हो गया था, जो डेंस हो के आप हमारा हाफ से भी कम हो गया है। अच्छा। लेकिन अब हम इसके अंदर और नहीं डालेंगे, ये नहीं कि आधे से कम हो गया तो हम और डाल देंगे, नहीं, क्योंकि फिर ये प्रोसेस दोबारा से शुरू कर देगा। अच्छा। हमारा तो हम इसको छोड़ देंगे अभी, फिर नेक्स्ट बिन में हम अपना इकट्ठा शुरू करना करेंगे। ये खास तरह का जो बैग आपने यूज किया हुआ है जी, ये कहां से लिया? ये हम खुद तैयार करते अच्छा, हैं अपना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ग्रो बैग है ना? जियो, जियो कंपोस्ट बिन है, जियो फैब्रिक का है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा है। तो लोगों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के जियो फैब्रिक यूज करें? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हमारा लिचेट निकलता है। हाँ हाँ। जिसको कि सब इजीली कैरी नहीं कर पाते कि लिचेट निकल रहा है, गंदगी हो रही है, अलग से उसका टैप लगाना पड़ता है, बदबू आती है, सबसे बड़ा टैप लगाना पड़ता है। इसमें मेरा कोई टैप का अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने इसमें साइड में पॉकेट्स दे दिए आप टूल्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह रखने के लिए। चलिए उसके बारे में हाँ जी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर ये किचन कंपोस्ट है, तो ये किचन इस ये वाला इसी से ही ये रेडी होके ये तैयार हुआ है। ये कितने दिन में बना? क्योंकि बहुत ये तकरीबन 40 डेज में तैयार हो गया है। 40 डेज में तैयार हो गया, ये देखिए। और इतनी अच्छी इसके अंदर बिल्कुल मिट्टी जैसी खुशबू है, कोई स्मेल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल साफ। तो आप अपने प्लांट्स पर यही यूज? यही यूज करती हूँ मैं अपने प्लांट्स में। देख रहा हूँ कि ये पत्तियों की खाद है। ये भी घर में बनाया है? हाँ जी, ये भी घर में बनाया है। जो ड्राई लीव्स होती हैं हम इकट्ठा करते हैं, उसी को हमने कंपोस्ट तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया। और ये बनने में कितना टाइम लगता है? ये भी ये तो टाइम लगता है, ये 3 मंथ लग जाते हैं तकरीबन। हाँ जी, 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। ओके।
हाँ जी। और ये टी कंपोज्ड, ये टी कंपोज्ड है, ये टी कंपोज्ड है। हाँ, ये बनने में कितना टाइम लगा आपको? ये भी 40 डेज में तैयार हो जाती है। 40 डेज में तैयार हो जाता है जी। ये भी बिल्कुल एकदम देखिए, बिल्कुल भुरभुरी, एकदम बिल्कुल मिट्टी के जैसे हो जाती है आपकी ये रेडी होके। तो किस तरह के प्लांट्स में ये यूज करते हैं? ये वाले फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे मेरे गुलदाउदी के फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो उनके अंदर अगर हम किसी भी फ्लावर वाले प्लांट्स में अगर डालते हैं तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, बहुत अच्छा फ्लावर्स आता है इसके अंदर। अनियन कंपोज जो हमने तैयार की, एक्चुअल में सर जो हैं वो हमारे बिन में अनियन के पील्स डालने मना करते हैं, बिकॉज अनियन में जो एक स्मेल होती है वो हमारे पील्स को मतलब गलाने में टाइम देता है। अच्छा। वो डिस्टरबेंस जो क्रिएट करता है, जल्दी नहीं गलता, जल्दी नहीं गलता है। तो हमारे दूसरी चीज़ों को भी वो कंपोस्ट नहीं होने देता, तो उन्होंने बोला अनियन पील्स नहीं डालिए आप उसमें। अब हमको ऐसी आदत हो गई कि हम कोई भी एक भी छिलका फेंक नहीं सकते। तो ये ना नई बात मुझे मालूम चली है अभी तक। हाँ। मैं जहाँ भी गया हूँ ना, ये बात किसी ने नहीं बोली कि अनियन पील्स इसमें नहीं नहीं डालते हैं। नहीं डाल, तो सर मना करते हैं, सर मना और कोई मना नहीं करता। हाँ। बट प्रवीण सर जो है वो कहते हैं अनियन पील्स और गार्लिक पील्स मत डालिए। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने अनियन पील्स को अलग ही इकट्ठा किया। हाँ। और सेम प्रोसेस जैसे हम इसके अंदर कोकोपीट, तो कहीं रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। ये देखिए। अच्छा, ये जितने भी अनियन हैं वो हाँ जी बिल्कुल अलग रखे, अलग रखे हैं अनियन पील्स जो हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए, बहुत ही मतलब आपने ध्यान से मतलब है ना, गार्लिक पील्स भी है और अनियन पील्स भी है इसमें, और दूसरा कोई पील्स नहीं है। ये ग्रीन जो दिख रहा है वो अनियन ही स्प्राउट हो गया है। अच्छा। उसके अंदर इतनी गर्मी है, ये है देखिए, ये स्प्राउट होके इतने लंबे लंबे अपने आप निकल आए। हाँ, तभी वो बोल रहे हैं कि नहीं करना है। हाँ हाँ जी। और इसका रिजल्ट ये तैयार होके हमारी ये कंपोस्ट तैयार होती है देखिए। और ये मैंने ये भी कहीं नहीं देखा मैंने, ये फर्स्ट टाइम शायद मैंने ही बनाई थी ये। ये फर्स्ट टाइम आपने ये फर्स्ट टाइम सर भी देख के बहुत खुश हुए थे, बोले बहुत बढ़िया बनाया ये आपने। हाँ, कितना टाइम लगा बनाने में? ये वाला भी तकरीबन वही मौसम का फर्क पड़ जाता है, जैसे अभी विंटर में थोड़ा टाइम लग रहा है, है ना। जैसे बारिश के समय में बनाया था तो मेरा वही 40-50 डेज में तैयार हो गया था। हाँ जी, आपने सारी चीजों का बहुत ही 40-50 डेज में एकदम तैयार हो गया था। और बाकी जैसे ऑरेंज पील्स भी मना करते हैं तो उसका हमने एंजाइम बनाया। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, ऑरेंज पील, लेमन पील्स, उसको भी एंजाइम बनाते हैं। लेमन पील्स यहाँ नहीं है, मेथी गुड़ का एंजाइम है ये। ये ड्रम स्टिक्स। अच्छा। हाँ जी, ड्रम ये किस लिए यूज होता है? ये पौधों में एंजाइम देते हैं लिक्विड बनाकर। हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। ओके। तो उसके लिए है ये, और ये है ना, और ये एलोवेरा है। ये एलोवेरा, एलोवेरा के पत्ते मोटे मोटे पल्प के साथ लेकर। हाँ। और उसको गुड़ और पानी में मिला के ये हमारा एंजाइम तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि एंजाइम्स का मेन यूज क्या होता है? एंजाइम जैसे हमारी बॉडी को टॉनिक चाहिए होता है, मल्टीविटामिन्स चाहिए होता है, टॉनिक के रूप में ये काम करता है। अच्छा। रेगुलर फूड हम जो खाते हैं वो इन सब से मिलता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो एक टॉनिक के रूप में काम करता है। तो लगभग कितने दिनों में आप सजेस्ट करती हैं अगर देने के लिए, अगर तो कितने दिनों में देते हैं लोग? 15 डेज में प्लांट्स में देते हैं, एक टाइम ये देते हैं, एक टाइम ये देते हैं। हाँ, 15 डेज में। हाँ। और रिजल्ट्स आते हैं? रिजल्ट आते हैं। ये अच्छी बात बताई। और एंजाइम रेडी होने में 3-4 मंथ लगते हैं। तो जितने भी आपने गार्डनिंग यहाँ पर की हुई है जी, तो वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है? सारी ऑर्गेनिक है, केमिकल कुछ भी नहीं है। पहले मैं थोड़ा बहुत डालती थी, बट जब से मैंने प्रवीण सर के संपर्क में आई हूँ, उनसे सीखी है गार्डनिंग। हाँ। तब से मैं केमिकल बिल्कुल यूज नहीं करती, जो था वो भी मैंने फेंक दिया सब फेंक दिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं डालना। मेरी डॉटर गुस्सा भी हुई, मम्मी जब फिर चाहिएगा तो आप लेके आओगे? मैंने कहा नहीं, मैं लाऊंगी ही नहीं, मुझे डालना ही नहीं है। मेरे पौधे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, मुझे केमिकल नहीं डालना। तो ये आपने ना बहुत ही अच्छी बात बताई, आपने बहुत तरीके से ना सब चीजों के ना मैनेजमेंट बहुत प्यार से किया हुआ है। बाकी ये टी लीफ है, चाय पत्ती की खाद। अच्छा। ये ऐसे तैयार होती है, ये इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये हमारी रेडी है। ये देखिए। अच्छा, ये इन रिजल्ट ये आता है और अभी ये अभी प्रोसेस में है। क्या ये थोड़ी कच्ची है अभी। हाँ। तो इसमें लोग पूछते हैं कि अदरक वगैरह भी डालते हैं? हाँ हाँ, जो हमारा चाय में जाता है, अदरक। हाँ। इलायची, लौंग, काली मिर्च, जो हम चाय में डालते हैं वो सब
तो छान के, हाँ थोड़ा सा पानी में, हाँ जी एक बार हल्का सा पानी के नीचे छलनी किया और आपका अपना, और ये भी बनने में लगभग कितना टाइम लगता है? 40-50 दिन लग जाते हैं, लग जाते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि आप भी और बाकी लोग भी इस चीज़ों से एजुकेट हो सकें। छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।